चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट के बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो मार्क किया हुआ है 50 वाट से 200 वाट, कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट ऑफ सप्लाई। हमने इसको 100 वोल्ट ऑफ सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया है। द प्रेजेंट पावर ऑफ द बल्ब इज़, बल्ब की पावर क्या होगी? हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि पावर कंज्यूम इज इक्वल टू वी सप्लाई अपॉन वी रेटेड का होल स्क्वायर इंटू पावर रेट। वी सप्लाई वो वाली सप्लाई है जो हमने यहाँ पे दे रहे हैं, जो हमारी यहाँ पे कौन सी वैल्यू हो जाएगी 100 वोल्ट वाली, और रेटेड वैल्यू क्या है जो बल्ब के ऊपर रेटेड होते हैं। जो वैल्यू रेटेड होती है वो ऐसे लिखी जाती है, वॉट डैश वोल्टेज। हम देख सकते हैं वी सप्लाई कितनी है तो 100, वी रेटेड कितनी है तो 200। इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, इसका स्क्वायर इंटू पी रेटेड, तो पावर रेटेड कितनी है तो 50। पावर रेटेड 50 है, या मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2, एंड स्क्वायर तो हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे 50 बचेगा, 50/4 इज इक्वल टू